भूषण ज्वेलर्स। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रस्तावित सोमवार को जोगिंदरनगर के दौरे से पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर प्रेमनाथ ने मुख्यमंत्री को सवालों से घेरा है। राजकीय महाविद्यालय लड़बड़ोल भवन के लोकार्पण को लेकर रविवार को पूर्व निदेशक पर्यटन बोर्ड हिमाचल प्रदेश और कांग्रेस प्रदेश पंचायती राज संगठन के महासचिव ठाकुर प्रेमनाथ ने कहा कि इस महाविद्यालय का भवन नक्शे के अनुसार 4 मंजिला बनना था, लेकिन अभी तक भवन की 2 मंजिलें भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाई और प्रदेश सरकार इसका 22 सितंबर सोमवार को लोकार्पण करने जा रही है। उन्होंने कहा कि करीब 6 साल पहले यह महाविद्यालय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की देन है, जिन्होंने इस भवन के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करके बनादर में एक भारी जनसभा को संबोधित करते हुए इलाका लड़बड़ोल वासियों को एक अहम सौगात प्रदान की थी। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस भवन का कार्य पूरा नहीं हो पाया है और वर्तमान की भाजपा सरकार इस अधूरे भवन का लोकार्पण करने जा रही है, जो कि क्षेत्र वासियों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठाकुर प्रेमनाथ ने ये भी कहा कि अगर इस महाविद्यालय के अधूरे भवन का सरकार लोकार्पण करती है तो कांग्रेस इसका कड़ा विरोध ही करेगी। दूसरा, मैंने तो इस बारे में न्यूज भी लगवाई थी, प्रेस में न्यूज दी थी कि ये कॉलेज जो है स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, उन्होंने इस कॉलेज को उद्घाटन करवाया था। ये सामने उसका फोटो है, जब उद्घाटन हमने किया था, मैं आपको फोटो भी दूंगा इसका प्रूफ में। और इन्होंने बजट में प्रावधान करके 5 करोड़ रुपए का भी इसमें प्रावधान किया था और ये शिलान्यास उन्होंने यहाँ बनांदर में आकर के किया था। जनता को, पूरे इलाके को इस चीज की बहुत खुशी थी। और आज जो हम ये देखने जा रहे हैं कि इसका तो उद्घाटन किया जा रहा है, इसका नक्शे के आधार पर जो है 4 मंजिला इमारत बनेगी और अभी अनकम्प्लीट भवन के निर्माण आधा छोड़ करके जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जो कल जोगिंदरनगर आ रहे हैं और ऑनलाइन इसका सुनने में आया है कि ऑनलाइन उद्घाटन इसका करेंगे। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अधूरे इलेक्शन स्टंट की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि ये अधूरे कामों का जो है उद्घाटन किए जा रहे हैं। हाँ, अगर 2 मंजिले बिल्कुल रेडी है, तैयार है, बच्चों को कोई डिफिकल्टी है तो क्लास से चला सकते हैं, परंतु गवर्नमेंट इसका उद्घाटन ना करे जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। हम इसका विरोध करते हैं, हमने पहले भी कहा, जनता भी इसका विरोध कर रही है कि जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता है कोई चीज, तब तक उसका उद्घाटन नहीं करते हैं। लड़बड़ोल से प्रमोद धीमान की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।